पल पल के अपडेट से जानने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज इंडिया A9। बुरहानपुर जिले के ग्राम हतानूर वार्ड क्रमांक 7 में निवासी सुरेश कोहली के घर के सामने कुछ लोगों ने सरकारी जगह पर अतिक्रमण कर सुरेश कोहली को रास्ता बंद कर दिया। निवासी सुरेश कोहली ने बताया कि मेरे घर के सामने कुछ लोगों ने बेल भैंस बांधने की पाड़ा बना दिया और सभी दूर गंदगी गंदगी कर दी। वहीं कोरोना की महामारी में गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारी फैलने का अंदेशा हो सकता है। अभी बारिश के समय और ज्यादा समस्या बढ़ गई। सुरेश ने बताया, मेरे आने जाने का पूरा रास्ता बंद करके रखा है, हमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वहीं यह समस्या कई दिनों से उठानी पड़ रही है। इस बात को लेकर संतोष कोहली ने कई बार ग्राम पंचायत में शिकायत की, लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक सरपंच द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का निराकरण किया गया। संतोष कोहली ने बताया कि मेरी समस्या को लेकर शिकारपुरा थाने में लिखित आवेदन दिया है और शासन प्रशासन से समस्या का निराकरण करने की मांग की है। न्यूज इंडिया A9 बुरहानपुर से वैभव सावले की रिपोर्ट। कहीं पे कुछ लकड़ियां कुछ डाल के रखा है सर, कहीं से भी आने जाने का रास्ता नहीं है और मेरे घर पे नल भी नहीं है, मैं पानी कहाँ चलाऊँ सर? हाँ, पानी के लिए क्या, मुझे वापरने के लिए भी रास्ता नहीं है और इस वायरस के चलते हुए यहाँ पर बहुत गंदगी है सर, जो कि अपने महोदय कलेक्टर साहब अभी साफ सफाई अभियान के इसमें लगे हैं और ये यहाँ पर ये देखिए सर गंदगी, आप जिधर भी जाएंगे आप उधर गंदगी है, जिधर आने जाने के रास्ते में देखेंगे सब दूर गंदगी करके रखी है, किधर से भी आने जाने के पूरा अवैध करके रखा है, पूरा अवैध करके रखा है सर। प्रशासन से यही उम्मीद है सर कि आप जल्द से जल्द मेरी सहायता करें, क्योंकि मुझे आने जाने के लिए कई रास्ता नहीं है और किधर से भी आने जाने के लिए रास्ता नहीं रखा, यानी कि अब बारिश का मौसम है, बारिश के कारण इन्होंने मेरी लेटरिन खोद दी है और वो पानी के कारण गिर सकती है अभी, और मेरी समस्या का हल करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इसका आवेदन पंचायत में